हेलो एवरीवन, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ केक पर सजाने के लिए क्रीम। बहुत ही आसानी से घर पे बन जाता है, झटपट से, मुश्किल से ये 5 मिनट के अंदर बन करके तैयार हो जाता है, एकदम फ्लफी सा। अगर आपको एकदम मार्केट के जैसा, एकदम बेकरी के जैसा क्रीम चाहिए तो आप लेकर के आए ट्रोपोलाइट व्हिपिंग क्रीम। बहुत ही आसानी से घर पे बन करके तैयार हो जाता है एकदम बेकरी के जैसा क्रीम। तो बस अभी ले लेना है एक बाउल बड़ा सा और उसमें क्रीम को निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पे 1 कप क्रीम को निकाल लेती हूँ। इस क्रीम को मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ तो इसके लिए इसका पैकेट खुला हुआ है। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी क्रीम को निकाल ली हूँ। ये देखिए क्रीम हल्का सा मेल्ट होना चाहिए। ये देखिए, अगर क्रीम हल्का सा मेल्ट रहेगा तो आपका क्रीम बहुत ही झटपट से बन करके तैयार हो जाएगा। तो अभी इसे विस्कर से फेंट लेना है अच्छी तरह से। तो क्रीम को हल्का सा पहले मेल्ट कर लें, उसके बाद इसे फेंटें तो आपका क्रीम बहुत ही झटपट से बन करके तैयार हो जाएगा। अगर आप क्रीम तुरंत निकाल करके फ्रीजर में से फेंटेंगे तो उतने जल्दी आपका क्रीम नहीं बनेगा। थोड़ा सा उसे मेल्ट कर लें, जैसा कि अभी मैं ली थी, इसी तरह से हल्का सा मेल्ट कर लें फिर बनाएं तो बहुत जल्दी आपका क्रीम बन करके तैयार हो जाएगा। पर क्रीम को आपको गर्म नहीं करना है, रूम टेम्परेचर पे नहीं करना है, उसे ठंडा ही फेंटना है। अगर आपका क्रीम नहीं बन रहा है बरोबर से तो आप उसे थोड़े टाइम के लिए फ्रीजर में डाल दें, उसके बाद फेंटें, थोड़ा ठंडा हो जाए तो आपका क्रीम एकदम बराबर बनेगा। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रीम काफ़ी फ्लफी हो चुका है। ये देखिए, क्रीम के पैकेट को आप यूज़ करके फ्रीजर में डालें एकदम अच्छे से, उसको पहले सील पैक करें, उसके ऊपर से पन्नी लगा करके, प्लास्टिक लगा करके फिर फ्रीजर में डालें ताकि उसमें बर्फ नहीं जमे। क्रीम अभी काफ़ी फ्लफी हो चुका है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच मिल्क मेड। ये क्रीम पहले से ही मीठा होता है, वनीला फ्लेवर का ये क्रीम है, हल्का सा ये मीठा होता है। तो मैं इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच कंडेंस मिल्क। अगर आपको कंडेंस मिल्क नहीं डालना है तो आप इसमें चीनी पाउडर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रीम काफ़ी फ्लफी हो चुका है। ये देखिए, बहुत ही अच्छा क्रीम बना हुआ है। ये देखिए, क्रीम को चेक करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। तो आप क्रीम को इस तरह से चेक कर सकते हैं, बर्तन को इस तरह से आप उल्टा करें, अगर बर्तन में से क्रीम नहीं निकल रहा है, नहीं गिर रहा है तो आपका क्रीम एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हो चुका है। तो है ना घर पे एकदम आसान बनाना क्रीम एकदम परफेक्ट तरीके से। तो ये देखिए एकदम फ्लफी क्रीम बन करके तैयार हो चुका है। तो केक को सजाने के लिए एकदम परफेक्ट तरीके से क्रीम बन करके तैयार हो चुका है। आप इसे अलग अलग केक पे अलग अलग डिजाइन दे करके क्रीम सजा सकते हैं। ये देखिए, आपको जिस फ्लेवर में केक बनाना है आप वो फ्लेवर क्रीम में ऐड कीजिए और केक बनाइए। तो लीजिए, केक क्रीम बन करके तैयार हो चुका है ना एकदम सिंपल घर पे इसे बनाना। तो आप भी इसी तरह से बना करके ज़रूर ट्राई कीजिए। तो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे फ्रेंड और फैमिली में भी शेयर कीजिए।